हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A का 6th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3K+2 एंड वाई इक्वल्स टू 2K-1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x-3y+1=0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x इक्वल्स टू जो दिया है, गिवन है, पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग गिवन वाली चीज़ों को लिखते हैं। गिवन हम लोगों को दिया गया है कि x इक्वल्स टू 3K+2 एंड y इक्वल्स टू 2K-1। अब जो हम लोग को जनरल इक्वेशन गिवन है वो भी नोट कर लेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब हम लोगों को करना क्या होगा, क्योंकि पहले से गिवन है कि ये सॉल्यूशन है, x और जो y की वैल्यू गिवन है वो हमारी इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। तो सिंपली x की और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 4x की वैल्यू पुट करेंगे 3K+2-3, वाई की वैल्यू पुट करेंगे 2K-1+1=0। और हम लोगों को इस क्वेश्चन में K ही निकालना था, तो इसे करने से आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 4 2 8, -3 2 6 के। अब ये जो माइनस है इसके साथ ये इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, और ये 1 लिखा हुआ था 1=0। अब इसको सॉल्व करने के लिए के वाले को एक साइड लिख लेंगे, तो मींस के इज इक्वल्स टू -12/6, दैट इज माइनस का 2, के इक्वल्स टू -2 आंसर। हम लोगों को क्वेश्चन में के की ही वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गया है, यही इसका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये